तमाम दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। किसी दोस्त ने मुझे कहा था कि अलाइनमेंट क्रिएट कैसे की जाती है। चलो मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं इसी टॉपिक पे कि सिविल 3D में हम दो पॉइंटों के दरमियान अलाइनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। वो दो पॉइंट्स आपके रोड की सेंटर लाइन भी हो सकती है, पाइपलाइन की भी हो सकती है, कोई भी एक्स वाई दो पॉइंट्स हैं वो अलाइनमेंट क्रिएट करके हम उसकी कोऑर्डिनेट कैसे लेंगे। आपके पास सिर्फ दो पॉइंटों की कोऑर्डिनेट हैं और वो काफ़ी फासले पर पड़े हैं और आपको 20 मीटर या 10 मीटर पे कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने जो है ना वो एक पॉइंट की कमांड लगानी है, पी ओ। सबसे पहले ईस्ट लिखना है, उसके बाद नॉर्थ, सेंटर, दोबारा वही कमांड, पॉइंट, दूसरा पॉइंट, पॉइंट लग चुके हैं, नजर नहीं आ रहे, पी टाइप पॉइंट का साइज बड़ा करेंगे, ये ओके, जेड एंटर, पी एंटर, पॉइंट लगे हैं, कितने फासले पर पड़े हैं, अनुमेय अलाइन क्लिक 94 मीटर 72 सेंटी की दूरी पर पड़े हैं। आओ क्रिएट करते हैं अलाइनमेंट, होम अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स, नेम देना है, मैं फॉर एग्जाम्पल सेंटर लाइन साइड कौन सी है वो भी लिख करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिला दो लाइन ओके और ओके। अभी टूल्स ओपन हो गया लाइन लिखकर, यहाँ पे ड्रॉ फिट लाइन टू पॉइंट क्लिक क्लिक, लाइन मेट मेरी हो गई है। कह रहा है कहाँ से शुरू करूँ, लाइन मेट तो क्रिएट हो गई, यहाँ से और एंड कहाँ पे, एंड यहाँ पे और एंटर। देखो 20 मीटर पे उसने मुझे पॉइंट शो किए हैं, लेकिन हर 10 मिनट के बाद पॉइंट जो है लग गए हैं। और अभी कोऑर्डिनेट मैंने लेने हैं वो कैसे देंगे वो भी आपको बता देता हूँ। या होम पॉइंट क्रिएशन टू पॉइंट क्रिएशन, ये मेन्यू को ऑटोमेटिक करें, डिस्क्रिप्शन को भी ऑटोमेटिक करें, मैनुअल क्लिक, 0 पॉइंट लग गया, बीस पे 40 पे 60 पे पॉइंट तो लग गए, अभी कोऑर्डिनेट फास्ट तो नहीं हो रहे, तो यहाँ पे टू स्पेस प्रोस्पेक्टर पॉइंट जीरो ऑल पॉइंट राइट क्लिक प्रॉपर्टी, ये जो भी चीज चाहिए आपको नॉर्थ ईस्ट लाइट ओके। देखो आपकी जो है ना नॉर्थ ईस्ट पास तो हो रही है, अगर वर्क ज़्यादा है तो आप पॉइंट नंबर कर सकते हैं यहाँ पे और इसको एक्सेल में ले जाएं, SVR की फाइल बना लें जो भी चाहिए, वो तो फिर डिटेल में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर
और समझ भी आ गई होगी, अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी जगह पे तो आई एम प्रेजेंट।